हाँ हाँ, सिवान में कुछ नए केसेज आए हैं और उसी तरह से नवादा में भी एक केस आया है, बेगूसराय में केस आए हैं। तो जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में और जिस गांव में वो ये मामले आए हैं, वहाँ कंप्लीट लॉकडाउन कर्फ्यू लाइक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और एक एक आदमी को जो भी संपर्क में आए हैं उनका सैंपलिंग लेने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो सारे जिलाधिकारी को, सारे SP को, सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। यही बात पीसी में हम लोग समझा रहे हैं। नहीं, जिस इलाके में जहाँ कोई पॉजिटिव मिला है, ऐसे तो लॉकडाउन है ही, पूरा बिहार ही सील्ड है, लॉकडाउन है। लेकिन जैसे मान लें कि सब्जी लेने के लिए या कोई जरूरी काम के लिए निकलते हैं लोग, तो जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में, जिस गांव में ये केस पाए गए हैं, वहां बिल्कुल कर्फ्यू रहेगा, कोई भी घर से नहीं निकलेगा। जरूरत की चीज कोई होगी तो प्रशासन पहुंचाएगा। वो लोग हैं, उनकी उनकी पहचान कर ली गई है, 10 ऐसे लोग मिले हैं और उसको जितना काम हो रहा है सब काम हो रहा है। देखिए, नवादा में एक मोहल्ले को हम लोग कर रहे हैं, 6 जगह है बेगूसराय में कर रहे हैं, बेगूसराय में जगह मिला है। एक कोई भी मिल गया कोरोना पॉजिटिव का आदमी, वो जगह हॉटस्पॉट है। तभी तो बताया बेगूसराय में 5-6 जगह हम लोग उसी तरह से नवादा में एक मोहल्ला जहाँ एक आदमी मिला है और उसी तरह से सिवान में जहाँ जो मिले हैं सब हॉटस्पॉट।